आज ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास टेंथ के और क्लास टेंथ के बच्चों ने बायोलॉजी के बारे सॉरी ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, जिसमें आज का टॉपिक दिया गया है वन जंगल, यानी जंगल और वन के बारे में ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से सारी जानकारी आपको देने वाले हैं बच्चे। तो इनका हौसला अफजाई करते रहेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने आ रही है आयशा, जो आपको जंगल के बारे में बताएंगे कि सर्वाधिक राज्य की कौन सा है, ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा जंगल होता है, और कौन सा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है, जंगल कौन सा गैस लेता है, कौन सा गैस देता है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति बनाए रखें और देखें। तो आइए मिलते हैं आयशा से। रूस सर्वाधिक वन वाला राज्य, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला दसवां देश, भारत 2001 में वन 19.27%। भारत समुद्री तट पर उगने वाला वन मैग्रोव वन गैस लेता है, CO2 वन गैस छोड़ता है, O2। फलों का अध्ययन पामोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान, जानवरों का अध्ययन जंतु वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, स्वार्थिक वन वाला देश रूस, स्वार्थिक वन वाला दसवां देश भारत। भारत में 2001 में भारत में वन 19.27% है, बिहार में वन 27.7% है। पृथ्वी का फेफड़ा वन, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी पामोलॉजी कहते हैं, पौधों के अध्ययन को बोटेनी कहते हैं, जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। थैंक यू। वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत, 2001 में वन 19.27%, बिहार में वन 7%, वन वन का फेफड़ा वन। सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत, पृथ्वी का फेफड़ा वन कहा जाता है, भारत में वन 7%। फलों के अध्ययन को पामोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, पौधों को अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जानवरों के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत, 2001 में भारत में वन 19.27%, बिहार में वन 7%। समुद्र तट पर उगने वाला वन मैग्रोव, पृथ्वी का फेफड़ा वन, वन गैस छोड़ता है O2, वन गैस लेता है CO2, फलों को अध्ययन को पामोलॉजी, फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, पौधों को अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जानवरों को अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। देश रूस सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत, बिहार में वन 7%, फलों के अध्ययन को पामोलॉजी करते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी करते हैं, जानवरों के अध्ययन को वनस्पति जंतु विज्ञान करते हैं। वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, भारत में वन वाला देश रूस, भारत में वन वाला दसवां देश भारत, 2001 में भारत में 7%,
कोशिश किया है, सही बात है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत। बिहार में वन 7% और 2001 में भारत में वन 19.27%। फूलों के अध्ययन को पामोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, जानवरों के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। वन के प्रकार अध्ययन सघन वर्ष खुले वन, झाड़ियां एवं अन्य वर्ष। राज्य मध्य सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत, सर्वाधिक भारत 19.27% जो है। बिहार में वन 7%, बिहार में वन 7%। फलों के अध्ययन को पामोलॉजी करते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा। वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत। 2001 में भारत में वन 27%, 19.27%। बिहार में वन 7%। पृथ्वी के फेफड़ा को वन कहते हैं। समुद्र तट पर होने वाली वन मैग्रो हाँ हो गया। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन देशवा राज्य भारत। समुद्र पर उगने वाले वन मैग्रोव। बिहार में वन 7%। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं, जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा वन कहलाता है। वन 5 प्रकार के होते हैं। समुद्र तट पर उगने वाले वन मैंग्रोव। ठीक है, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत। भारत में वन 19.27%। समुद्र तट पर उगने वाला वन मैंग्रोव वन। वनों के प्रकार 5 प्रकार, सघन अत्यंत सघन वन, सघन वन खुले वन, झाड़िया एवं अन्य वन, मैंग्रोव वन। पृथ्वी का क्षेत्र वन। थैंक यू, वेरी गुड। सर्वाधिक वन वाला देश भारत। फूलों के अध्ययन को पामोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा वन। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत। Thank you. Everybody, my name is Faizan. I am telling you something about what. सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला देश में दसवां स्थान पे भारत होता है। वन हमारे लिए बहुत जरूरी है, भारत का इसीलिए दुनिया का फेफड़ा वन को कहते हैं। वन O2 गैस लेके CO2 गैस छोड़ता है। वनों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। वन के बारे में जानने वाले किताब को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। जानवरों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। ओके, वेलकम, बहुत अच्छा। राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन पर दसवां स्थान भारत। भारत में भारत वन को वन बिहार में 2001 में भारत 2001 में वन का 10.27%। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी करते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। वन वाला देश सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत। वन के पांच प्रकार है। पहला अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, तीसरा चौथा झाड़िया एवं अन्य वन, पांचवा मैग्रोव। थैंक यू। मध्य प्रदेश स्वाधीन वन वाला देश, रूस स्वाधीन वन वाला दसवां देश भारत। 2001 में भारत में वन 19.27%, बिहार में वन 7%, समुद्र तट पर उगने वाला वन मैग्रोव। फलों का अध्ययन पामोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। थैंक यू। बहुत सर्वाधिक मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला देश, रूस सर्वाधिक वन वाला देश, दसवां देश भारत। 2001 में वन वाला राज्य मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला देश, रूस सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत। समुद्र में तट उगने वाला मैग्रो वन है, गैस लेता है CO2, गैस छोड़ता है O2। मध्य प्रदेश फलों का अध्ययन होमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन बॉटनी, जानवरों का अध्ययन जूलॉजी। माय नेम इज अनिका शायद। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला देश रूस, सर्वाधिक वन वाला दसवां राज्य भारत। 2001 में भारत में वन 19.27% फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। थैंक यू। वन प्राकृतिक तथा मानव द्वारा विकसित होते हैं। फलों को अध्ययन पैंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन को पोमोलॉजी। पृथ्वी का फेफड़ा वन को कहते हैं। सर्वाधिक वन वाला दसवां देश भारत, सर्वाधिक वन वाला पहला देश रूस। वन पांच प्रकार के होते हैं, अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ियां एवं अन्य वन, मैग्रोव। समुद्री तट पर उगने वाले वन को मैग्रोव कहते हैं। राज्य मध्य प्रदेश स्वाधीन वन वाला राज्य रूस। पौधों का आचरण वनस्पति, जानवरों का आचरण जंतु विज्ञान, पृथ्वी का फेफड़ा वन। भूगोल के जनक कौन है? वेरी गुड। वन में पेड़ पौधा होता है। पेड़ पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? O2 ऑक्सीजन। और पेड़ पौधा कौन सा गैस लेता है? बहुत अच्छा। पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरी दुनिया में तो सबसे ज्यादा जंगल किस देश में होता है? रूस। और भारत में अगर राज्य की बात करें तो एक नंबर पे कौन सा है? हीरा सबसे ज्यादा किस राज्य में है? वेरी गुड। और जंगल सबसे ज्यादा किस राज्य में है? वेरी गुड। सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में। जमीन के अंदर से खनन द्वारा निकाला गया यौगिक क्या कहलाता है? खनिज कितने प्रकार के? कौन कौन? धात्विक खनिज में क्या रहता है? धातु। और जिसमें धातु नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? वेरी गुड। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के? कौन कौन? बहुत अच्छा। कार्बनिक और
और कार्बनिक, वेरी गुड। ऐसा ही तैयारी रखिए। और कल के लिए आप लोग को टॉपिक दिया जा रहा है खनिज, खनिज के बारे में जितनी भी जानकारी बताए हैं वो आप तैयारी करके आइएगा। खनिज पे जितना भी चीज पढ़ाए हैं सबका तैयारी कीजिएगा।